2021 पाकिस्तान के लिए तरक्की का साल होगा। साबिक हुकूमत ने बरामदात पर तवज्जो नहीं दी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चीनी सरमायाकारों को लाकर बरामदात बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का मुल्क में गाड़ियां मुतारफ कराने की तकरीब से खिताब, कहा सी पैक के अगले मरहले में ज़रई शोबे को तरक्की दिलाने का वादा। नया साल नया दिन नई उमंगे और नए अहदाफ, खुश आमदीद। 2021 पाकिस्तान में साल नौ का पहला दिन, नमाज़े फजर में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। खुदा करे नया साल गुज़श्ता बरस से बेहतर और खुशियों भरा हो। कोरोना वबा का खात्मा हो, शहरी दुआगो। मुल्क भर में साल नौ का शानदार इस्तकबाल, कराची लाहौर और दीगर शहरों में शानदार आतिशबाजी, आसमान रंगों रोशनियों से नहा गया। मचलों का खूब हल्ला गुल्ला, केक भी काटेंगे। 2021 का साल अमेरिका में भी शानदार इस्तकबाल, टाइम्स स्क्वायर पर भी जश्न। शहरी जूम उठे साल नौ के आगाज में दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी से आंखें हीरा। रूस, न्यूजीलैंड, चीन, यूनान, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों में न्यू ईयर की तकरीबात। बरतानिया, फ्रांस और तुर्की में 2021 को सादगी से खुश आमदीद कहा गया, डूडल बदल दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान किसी के कहने पर क्यों मुस्तफ़ी हों, पीडीएम आज भी इस्तीफों पर फैसला नहीं कर सकेगी। 31 दिसंबर के बाद 31 जनवरी भी गुजर जाएगी। सुना है बेशतर पीपल अराकीन ने लॉन्ग मार्च को नवाज शरीफ की वापसी मशरूत कर दिया। वफाकी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, बिलावल भुट्टो के आज रायमंड न आने पर भी सवालात उठा दिए। पीडीएम आज लाहौर में सर जोड़ेगी, इस्तीफों, सेनेट इलेक्शन और जमीनी इंतबात से मुतलक आज अहम फैसले मतवक्का। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। हुकूमत मुस्तीफा होने का ऐलान करे तो ही ग्रैंड डायलॉग हो सकता है। मौलाना फजल रहमान का दो टोक ऐलान, फंक्शनल लीग के रहनुमा मोहम्मद अली दुरानी ने फजल रहमान से मुलाकात करके अहम पैगाम पहुँचाया। उम्मीद है 2021 की पहली समाही के बाद कोरोना रहेगा ना पीडीएम, वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। फरवरी में हुकूमत आधी मुद्दत पूरी करेगी और नए प्रोजेक्ट्स की तरफ ध्यान देंगे। वफाकी वजीर और नून लीग पीपल्स पार्टी को अपनी नई लीडरशिप तलाश करने का मशवरा। 2020 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए शानदार रहा। कोरोना के बावजूद पीएसएल का इनेकाद और डोमेस्टिक सीजन भरपूर तरीके से जारी रहा। एमसीसी क्लब बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की टीमें पाकिस्तान आई। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के कप्तान मुकर्रर हुए। नसीम शाह हैट्रिक करने वाले कम उम्र टेस्ट क्रिकेट बने और जहीर अब्बास ने आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शमूलियत का एजाज पाया।